मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिंदू मुस्लिम छात्रों के बीच में गिरोहों में हिजाब और भगवा गमछा पहनने को लेकर एक दूसरे के आमने सामने ये लोग डटे हुए हैं, मगर एक बुरखा पहनी हुई लड़की मुस्लिम छात्रा के साथ भगवा गमछा धारियों ने बदतमीजी करने पर उतर आए। ये घटना मांडा के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का है, मगर इतने भगवा धारियों पर एक मुस्लिम लड़की भारी पड़ गई और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए ये कॉलेज में दाखिल हो गई और ये भगवाधारी नारे लगाते हुए बाहर रह गए। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि स्कूटी से लड़की उतर कर आती है और तभी ये भगवाधारी इसके पीछे जय श्री राम के नारे लगाते हुए दौड़ पड़ते हैं, मगर इस बहादुर मुस्लिम लड़की ने इन्हें मुँह तोड़ जवाब दिया और आगे बढ़ गई। ऐसे में इन भगवा गमछा वालों की मानसिकता भी देखिए कि एक अकेली लड़की के पीछे ये भगवाधारी पड़े हुए हैं, जो बड़े ही शर्म की बात है। अगर लड़की पर्दा करती है तो इसमें इनको क्यों तकलीफ हो रही है? आप किसी से किसी का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। जय श्री राम के नारे लगाकर आप एक लड़की के पीछे दौड़ रहे हैं और वो भी उस लड़की के नकाब के खिलाफ, क्या यही संस्कार है आपके? अब एक वीडियो और आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़कों को भगवा पगड़ी बांटी जा रही है। इसके पीछे किसका हाथ है? आखिर कौन है वो जो इन लड़कों को भगवा पगड़ी बांट रहा है? आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये पगड़ी भगवा कलर की बांटी जा रही है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। और इसी वजह से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने अगले 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने खुद सोशल मीडिया में इसकी जानकारी दी।